हमने गुस्सा नहीं दिखाया, बड़े प्यार से समझाया कि आपकी है सात ससुराल तो हमारी भी कम से कम 14 ससुराल होनी चाहिए। दिल के सब राज दे रहा हूं मैं, कल नहीं आज दे रहा हूं मैं, और गीत गजल छंद मुक्तक सब बहाना है। सरता कटियार जी आपको आवाज दे रहा हूं, गीत गजल छंद मुक्तक सब बहाना है। सरता कटियार जी आपको आवाज दे रहा हूं मैं, एक बार जोरदार तालियों के बीच। सबसे पहले तो हम छोटा सा परिचय देना चाहेंगे अपना कि सरिता कटियार है हमरा नाव। सरिता कटियार है हमरा नाव, ससुराल हसनापुर है गांव, जिला पड़ता है उन्नाव, वहां से लड़ना है चुनाव। वाह, मिले जो सीट तो बताओ, क्योंकि सीट से हमका लगाओ। वाह, हमका दीपक जी ने बताओ कि अगर सीट से तुमका लगाओ तो किसी नेता के पास जाओ। हम गई नेता के पास, नेता ने हमका घुमाओ। नेता कहे पद पावन से पहले ईमानदारी जुबान से फेंको, ईमानदारी जुबान से फेंको और बैठ जाओ, फिर जनता से कहियो अब बेईमानी हमार देखो। वाह, ये ख्वाहिश मेरी पूरी हो सकती है। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम हास्य की तरफ ही जाएंगे कि हमारी एक दिन आपस में बैठ के बात हो रही थी कि कहां हम फंस गए शादी वादी के चक्कर में, कभी तेल खत्म, कभी नमक खत्म, कभी जीरा खत्म, कभी आटा खत्म, ये खत्म करते करते ये लगता है कि आप ऐसा करो कि आजादी से घूमते थे, शादी से पहले सात सात ससुरालें थी और सारे भाइयों की ससुराल में जाते थे, मस्ती करते थे, तो साथ साथ ससुरालों को जब रोना रोया गया मेरे सामने, तो मैंने भी उनसे कहा अब शुरुआत तो ऐसे हुई कि मेरे पति देव ने सात सात ससुराल का राज बताया, मेरे पति देव ने सात सात ससुराल का राज बताया, हमने गुस्सा नहीं दिखाया, बड़े प्यार से समझाया कि आपकी है सात ससुराल तो हमारी भी कम से कम 14 ससुराल होनी चाहिए। आपकी है सात ससुराल तो हमारी भी कम से कम 14 ससुराल होनी चाहिए, आप खाए माल और हम हो बेहाल, क्यों अपने भी पास थोड़ा माल होना चाहिए, और थोड़ा बल खाई के थोड़ा इतराई के, थोड़ा बल खाई के थोड़ा इतराई के, हुस्न का जलवा थोड़ा सा दिखाई के, आपकी नजर का कमाल था कभी, अब अपुन का सोसाइटी में धमाल होना चाहिए। बढ़िया, शुक्रिया। और कुछ पंक्तियां हम कलमकारों के लिए रखना चाहेंगे, कुछ इस तरह से हैं कि कलमकारों की महफिल में नमककारों का ताता हो, कलमकारों की महफिल में नमककारों का ताता हो, पढ़े औरों की कविताएं मगर खुद की बताता हो, कतारों में पुरस्कारों की अब इंसाफ ना मिलता, कतारों में पुरस्कारों की अब इंसाफ ना मिलता, इसी नीति को अपनाना बहुत अच्छा बताता हो। और अब मैं कुछ पंक्तियां पिता के लिए, क्योंकि अभी तक पिता के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला, मैं पिता के लिए बोलना चाहूंगी। पिता जब ताप में जलता मुझे एहसास ना होता, पिता जब ताप में जलता मुझे एहसास ना होता, जहन में सोचता होता जहां जग सो रहा होता, जहन में सोचता होता जहां जग सो रहा होता, करूं मैं क्या जतन ख्वाहिश जब बच्चा रख रहा होता,
करूं मैं क्या जतन, ख्वाहिश जब बच्चा रख रहा होता, उसे ना होश की कब जाग कर कब सो रहा होता, उसे ना होश की कब जाग कर कब सो रहा होता। पिता कितनों के आगे झुक के मुझ में उठ रहा होता, पिता कितनों के आगे झुक के मुझ में उठ रहा होता, कदर करता नहीं जिसकी फिकर में रो रहा होता, कदर करता नहीं जिसकी फिकर में रो रहा होता। कमाई से भी ज्यादा मेरी खुशियां सजो रहा होता, कमाई से भी ज्यादा मेरी खुशियां सजो रहा होता, मेरे कर्मों के बोझे से शर्मसार हो रहा होता, मेरे कर्मों के बोझे से शर्मसार हो रहा होता। माफ करने की गलती भी पिता दोहरा रहा होता, माफ करने की गलती भी पिता दोहरा रहा होता, माफी पाकर भी बच्चा गलतियां फिर बो रहा होता। वाह 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 वाह। माफी पाकर भी बच्चा गलतियां फिर बो रहा होता, बने जब काबिले बच्चा तो लेक्चर दे रहा होता, बने जब काबिले बच्चा तो लेक्चर दे रहा होता, बुढ़ापे में अपने कर्तव्य से मुख मोड़ता होता। और फिर से मैं जाऊं चाहूंगी लास्ट में कुछ पंक्तियां हास्य की ही बोल के फिर अपनी स्थान लेती हूं। स्वागत कि हमारे दोनों के बीच में ऐसे ही बात चली कि शादी के बाद में हम ऐसे फंस गए हैं कि मुझे समझ में नहीं आता आज क्या करें कल क्या करें। अब ऐसा करो, तुम अपने घर जाओ और हम अपने घर जाएं। तो हमने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, जब तुम हजार लोगों की लाए थे बारात, नाचे थे कूदे थे सारी सारी रात, मेरे माँ बाप जहन में रखे थे जज्बात कि बिटिया मूंग दलो चाहे होरा भूनो चाहे भेजो हवाला, तो सुन के थोड़ा डर तो गए, फिर भी बोली अच्छा ये बताओ तुम अपने घर जाओ हम अपने घर जाएं। तो हमने कहा ना जाएंगे तो नहीं, कहीं भी नहीं। तो बोले अगर बाय चांस जाना पड़ जाए तो तुम कहाँ जाओगी। मैंने कहा बिल्कुल कहीं नहीं जाऊंगी, जहाँ पे तुम्हारी दुकान है उसके सामने अपना पान का खोखा खोलूंगी। अब बोले कि पान तुम्हें बेचना आता है। मैंने कहा बिल्कुल आता है, नहीं आता तो आ जाएगा, कोई काम आने से पहले सीखना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा उठाऊंगी पान का पत्ता, लगाऊंगी चूना कत्ता, प्यार से बनाऊंगी, गाय गाय खिलाऊंगी, जो ना खाते हों वो भी खाने आएंगे, अपने बीवी बच्चों के लिए ले जाएंगे, मेरे पान का बखान अपने यारों को सुनाएंगे, ऐसे मेरे शाम तक सारे पान बिक जाएंगे। शुक्रिया।